क्रिकेट को इज्जत देने की बेसिकली बात की है। वो ये कह रही हैं कि जो प्लेयर्स हैं अब उनकी जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट, परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर होगी, क्या कहिएगा? देखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये आपने भी सुना है, ये मैंने भी सुना है, और मोहसिन नकवी के अभी तक सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज हैं, एक्शन तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रहे। अगर वो डोमेस्टिक को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर वो सात खान को उस कैंप में रखें जो अभी 24 जून से शुरू हो रहा है, जिसने डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। अगर वो डोमेस्टिक को इज्जत देना चाहते हैं तो रावलपिंडी और केआरएल के अब्दुल फसी खान, कि जिनको इमर्जिंग प्लेयर करार दिया गया लास्ट डोमेस्टिक का, उसको रखें उस कैंप के अंदर। फिर मोहम्मद अली, सब ने बात की कि उसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए, वर्ल्ड कप तो दरकिनार, वो उस कैंप में भी नहीं है जो 24 तारीख से लग रहा है। तो अगर ये डोमेस्टिक को इज्जत देना चाहते हैं तो पहले डोमेस्टिक के परफॉर्मर को तो वो अपॉर्चुनिटी दें जिसके वो हकदार हैं। ठीक है, उन्होंने वैसे ये कहा है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें आगे मौके फराहम किए जाएंगे। फनूस दिल्ली दूरस्थ, आगे खुद मोहसिन नकवी होते हैं या नहीं होते, ये भी एक बड़ा सवाल निशान है। पाकिस्तान में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आगे कौन है, लेकिन जो अभी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि अगर फिटनेस की बात हो रही है तो फिर आजम खान का क्या होगा और फिर उनका क्या होगा जिन्होंने फिटनेस टेस्ट ही खत्म करवा दिए थे? देखिए, बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छी बात की है कि वो डोमेस्टिक को इज़्ज़त देना चाहते हैं तो पहले, और मेरिट पे और फिटनेस पे वो कहते हैं कि टीम का इंतखाब होगा। तो अब जो वर्ल्ड कप के लिए टीम का इंतखाब हुआ था, क्या वो मेरिट और फिटनेस के लिहाज से उसका इंतखाब हुआ था? पहले तो मोहसिन नकवी साहब इसका जवाब दे दें। दूसरा ये बता दें कि तीन नाम तो अली सलमान ने गिनवा दिया, चौथा नाम उसामा मीर का है, उसे कैंप में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उसने कोई तोहीन अदालत कर दी या तोहीन पीसीबी कर दी, तोहीन अजहर महमूद कर दी, तोहीन वहाब रियाज कर दी, ऐसा क्या कर दिया? अगर उसने चेयरमैन से रब्ता कर लिया था तो उसामा मीर को क्यों नहीं बुलाया गया? किस बात की सजा दे रहे हैं? एक नौजवान के कैरियर पर क्यों ब्रेक लगा रहे हैं? ये होते कौन है इस तरह से टैलेंट को ज़ाया करने वाले? अगर आप बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ कह रहे हैं कि मेरिट पर होगा, तो मेरिट वाली चीज़ तो सामने लाए पहले। एक चीज़ तो प्रैक्टिकली सामने नहीं आई कि मेरिट है क्या भला। भाई, अगर उसामा मीर आपके मेरिट पे नहीं आता तो फिर कैंप में कोई लड़का आपके मेरिट पे नहीं आता, क्यों आपने कैंप में बुला लिया, क्यों आपने ये ऐलान कर दिया? आपका की जिम्मेदारी बनती है अखलाकी भी और मेरिट पे भी कि आप उसामा मीर को कैंप ज्वाइन कराएं। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर लड़का अपनी फरियाद लेके आपके पास आ जाए तो आप उसको बजाय फरियाद सुनने के, उसको तसल्ली देने के, अजहर महमूद उसको यह बोले कि मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा और अब कैंप लेके, तो वो बात सच्ची भी हो जाए और उसामा मीर जो है कैंप में शामिल भी ना हो। तो ये तो बड़ा सवालिया निशान खुद मोहसिन नकवी साहब आपके आज के इजलास में लग गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं? कहां की मेरिट है? कैसा मेरिट है? ये ऐसा नहीं चलेगा मोहसिन नकवी साहब, उसामा मीर को बुलाना होगा। जो तीन नाम अली सलमान ले रहे हैं वो डोमेस्टिक के बड़े नाम है, उनको इज्जत देनी होगी। और ये जो लोग बगैर डोमेस्टिक खेले आपकी नेशनल टीम में आ जाते हैं, इनको घर भेजना होगा, इनको प्रायोरिटी देनी होगी कि भाई डोमेस्टिक को इज्जत दो तो प्रैक्टिकली दो, क्योंकि आपसे पहले भी चेयरमैन आते हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, लेकिन फिर होता वही है जो उनके कान भरे जाते हैं, जो उनके एडवाइजर होते हैं वो उनको गलत रस्तों पर ले जाते हैं और फिर सूरत हाल सामने आ जाती है। और फिर वर्ल्ड कप से दो महीने पहले हम कहते हैं हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं होंगी, उसामा मीर को बुलाना होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क तो बहुत